नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से वीटा ऐप में क्रोमा की का उपयोग करके ग्रीन स्क्रीन रिमूव कैसे करें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में सब कुछ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इस विषय से संबंधित, और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखने के लिए उसके साथ बने रहना जरूरी। तो चलिए दोस्तों आज का विषय हम शुरू करते हैं। पहले हम वीटा ऐप ओपन कर लेते हैं। अब इधर से एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इधर से पहले हम एक पिक्चर ले लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अब नीचे ये पीआईपी इस ऑप्शन पे हम जाएंगे। इधर से एक हम अपनी वीडियो इसमें ऐड कर लेते हैं जिसमें हमें क्रोमा की ऐड करके आपको दिखाना है। अब इधर से हम ये क्रोमा की का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और जो कलर हमें रिमूव करना उस पर हम इसको ले जाएंगे। तो हमें ग्रीन स्क्रीन हटानी है तो हम इधर इसको कर देंगे। और फिर ये जो दो ऑप्शन है, एक ये इंटेंसिटी और दूसरा ये सॉफ्टनेस, इन ऑप्शन को हम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे जिससे ये जो साइड का ग्रीन हिस्सा है ये पूरा इसमें रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं और ये हमें ठीक लग रहा है। इसको ओके किया और अब हम इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने कि हम इस तरह से किसी भी ग्रीन स्क्रीन को इसमें रिमूव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से वीटा ऐप का उपयोग करके ग्रीन स्क्रीन रिमूव कैसे करें। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पर अगर आपको कोई भी सवाल है वीडियो एडिटिंग से संबंधित, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। और अगर उस पर वीडियो हमने पहले नहीं बनाई है तो हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।